वेलकम टू मांझी खान आर्ट गैलरी मुतवा मदरक। मैं हूँ मांझी खान मुतवा, गांव सुनियाडो से, जो एक छोटा सा गांव कच्छ गुजरात में आता है। तो आपने वीडियो पहले दो पार्ट आप देख चुके हैं, एक डेकोरेशन का और एक मडवर्क कैसे होता है। तो ये पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप अगर फ्रेम का ऑर्डर करना चाहते हैं, हमारा आर्ट आपको पसंद है, चाहे आप इस साइज़ की फ्रेम ऑर्डर करना चाहें या जो भी ऑर्डर करना चाहें, तो आपके लिए हर चीज़ के लिए, मेरे आर्ट के लिए नहीं, हर चीज़ के लिए होता है इम्पोर्टेंट पैकिंग का। तो आप पैकिंग देखिए, हमारी इस पार्ट का पैकिंग देखिएगा, और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इस फ्रेम का चौथा पार्ट आने वाला है। जो मैं इस फ्रेम का ऑर्डर अंजार से है, तो मैं अंजार में यह फ्रेम लगाऊंगा, कैसे फ्रेम लगा रहा हूं, और इसका रिव्यू जो डॉक्टर परिमल साहब धड़किया देंगे इस वीडियो का रिव्यू, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो उस चौथे पार्ट का आप वेट करिएगा, और वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। इस फ्रेम के दो पार्ट पहले आ चुके हैं, आप देखना चाहें तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट वन करके होगी और दूसरा पार्ट टू करके होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि पैकिंग हम कैसे कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा वीडियो। अगर हमारा पैकिंग पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच। चलिए हम चलते हैं पैकिंग की ओर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ट्रेडिशनल आर्ट मुतवा मदरक की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और वीडियो को लाइक भी करें। तो आखिरकार हम ये लास्ट पार्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एक और मौका मुझे आया है कि ये फ्रेम जो है, मैं उस घर पे, उस मालिक के घर पे, वहाँ पे मैं लगाने जाऊँगा, क्योंकि हमारे इस फ्रेम से हमारी एक दोस्ती भी बन गई, और हम वहाँ पे अब जाके फ्रेम लगाऊँगा, क्योंकि वो मेरे गांव से 160 किलोमीटर है। तो मैं जाऊँगा वहाँ पे लगाने, और वहाँ कैसे इस फ्रेम को हम लगाते हैं उसका वीडियो हम लगाएंगे, रिव्यू के साथ साथ कि वो हम फ्रेम कैसे लगा रहे हैं, वो भी आपको अब देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं, ये है बबल प्लास्टिक, और अब इस बबल प्लास्टिक पे अगर मैं डबल डालूंगा, उसके बीच में मैं पहले कार्डबॉक्स डालूंगा, क्योंकि टूटने का रिस्क नहीं रहेगा, और इसकी पैकिंग मैं उतनी स्ट्रांग नहीं करूंगा जितनी मैं वैसे कुरियर में भेजता हूं, क्योंकि इसको मैं खुद लेके जाऊंगा, तो मैं ध्यान तो देने ही वाला हूं, मैं उसका ख्याल रखने ही वाला हूं कि मेरे कोई फ्रेम टूटे नहीं। तो अभी मेरे साथ मेरे भाई असद खान मुतवा, जो मेरे शूट करते हैं, और अभी उसको भी इस वीडियो में आपको दिखाऊं, क्योंकि वो मेरी हेल्प करेंगे, तभी इस फ्रेम को मैं पैकिंग कर पाऊँगा। असद भाई आ जाइए, ये बड़ा लाइए यहाँ पे, पहले हम इसको डालेंगे। तो ये कार्डबॉक्स पहला हम डालेंगे इस पे, अब दूसरा लाइए, ये हम डाल रहे हैं एक्स्ट्रा, इसीलिए डाल रहे हैं कि ये फ्रेम बहुत बड़ी है और इसके पीछे कुछ आगे पीछे नहीं है, तो उसमें टूटने का रिस्क न रहे इसीलिए। और मेरे भाई अभी तो सिक्स स्टैंडर्ड में अभी आए हैं, तो वो उस हिसाब से, उस अपनी उम्र के हिसाब से मेरे भाई बहुत काम तेज़ी से कर रहे हैं, और अभी आर्ट को शुरू उन्होंने इतना नहीं किया, लेकिन ये मिरर का डेकोरेशन करना वगैरह करना, ये सब मेरे भाई ही संभालते हैं। भाई नीचे लाइए, अच्छा की तो आप देख रहे हैं कि ये अब एक डबल हो जाएगा, यहाँ लाइट भी, अब देखिए यहाँ पे ये अलग जो डाले हमने वो डाल चुके हैं हम, अब इसको तीसरे को हम डाल रहे हैं, थोड़ा ख्याल इसका, ये तो हम हटा रहे हैं, तो अब ये तीसरा हम डाल रहे हैं, डाल दीजिए यहाँ से, अब यहाँ पे डाल दिया है, तो अब यहाँ पे पूरा डालने के बाद अब इसको बबल प्लास्टिक डबल कर देते हैं। भाई यहाँ से खींच लीजिए, सही कर लीजिए, एक बस रुकिए रुकिए, थोड़ा और खींच लो, बस 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 बस। तो अब आपने देखा बबल प्लास्टिक अब इससे डबल आ चुका है, पहले भी है,
उसके बाद फिर से है। तो अब यहाँ पे इसको टूटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहेगा। और अब इसे हम टैप लगा देते हैं क्योंकि निकले नहीं उसके लिए। तो यहाँ पे अब टैप लगाई जाएगी क्योंकि यहाँ पे पूरा खिंच चुका है। मैं टैप थोड़ी सी लगा चुका हूँ क्योंकि अगर मैं आप पूरी पैकिंग आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि इतना बोरिंग वीडियो बने, क्योंकि मेरा जो मकसद है, मेरा इस वीडियो को बनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं मेरी पैकिंग सर्विस आपको दिखा सकूँ और मेरी पैकिंग सर्विस स्ट्रॉन्ग है या नहीं, आप लेना चाहते हैं इस फ्रेम को, ऐसी डिज़ाइन या बड़ी कोई फ्रेम आपके ऑर्डर के हिसाब से आप करना चाहते हैं तो आपको टेंशन ना हो उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ से टैप लग चुका है, तो अब यहाँ से ये निकलने का डर नहीं है ऐसे। तो अब इसे पूरे कार्ड बॉक्स में डालेंगे, लेकिन उसके पहले भी एक प्रोसेस है, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा। तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने पैकिंग कर ली है, टैप मार ली है। अब यहाँ पे हमको ये हम लगा रहे हैं, ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ जो डैमेज का जो शायद अभी भी रिस्क हो तो वो भी निकल जाए, क्योंकि मुझे सबसे पहले मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ उसके बाद से मेरी टेंशन शुरू होती है डैमेज ना होना। और आप देख रहे हैं कि मैं कितनी टैप यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे टैप यूज़ होता है उसका मुझे कुछ नहीं होता है कि टैप यूज़ है। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि कस्टमर के पास मेरी चीज़ पहुँच रही है तो सही सलामत पहुँच रही है या नहीं, उसे मुझे मेरी सर्विस पसंद है या नहीं। यहाँ पर देखिए बस, तो यहाँ पर देखें ये यहाँ पे चिपक चुका है। तो ये देखें यहाँ पे ये हिलेगा नहीं। तो अब इसके ऊपर जब कार्ड बॉक्स आएगा तो उसे टूटने का रिस्क नहीं रहेगा। तो अब ऐसे ही चार हमें ये और टोटल बचे हुए ये हमको इसी तरह ही चिपकाने हैं। अब देखें यहाँ पे हमने पूरा चिपका दिया है। तो यहाँ पे देखें अब यहाँ से कार्ड बॉक्स कोई भी अगर इस पर वज़न आ रहा है या कुछ इस पर ऐसा कोई बार यहाँ पे एक्स्ट्रा वज़न इस पे आ जाता है तो इसे कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये इस पे पूरा पकड़ चुका है। दो डबल प्लास्टिक है, बबल प्लास्टिक है, उसके अंदर भी कार्डबोर्ड का एक हमने डाला हुआ है और उसके बाद हमने इस तरह से डाला हुआ है। तो अब यहाँ पे अब मेन पैकिंग बाहर की होगी। तो यहाँ पर अब बड़े कार्डबॉक्स में लपेटा दिया गया है, यहाँ पर लपेट देंगे हम, इसमें पूरा ढाँक देंगे हम। अब इस पर हम पट्टी लगा देंगे और ये पूरा अब ढक चुका है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे पूरा लपेट दिया गया है और अब इसको हम पूरा पैक कर देंगे, जो ये हैं लास्ट। अब यहाँ से अब इसको पैकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो मैं इतनी बड़ी फ्रेम पे वुडन पैकिंग करता हूँ, लेकिन इसे नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे फ्रेम बड़ी है इसकी ज़रूरत पर, लेकिन इस फ्रेम में खासियत, इस फ्रेम में न करने की एक वजह है, वो ये है कि मैं खुद इसे देने जाऊँगा तो इस वजह से मैं इसे वुडन की पैकिंग नहीं करवाऊँगा, और वो भी मेरे पास, मेरे अंजार जो है वो मुझे पास में ही पड़ता है, इतना तो पास नहीं लेकिन 150 किलोमीटर के आसपास कुछ ऐसा था जो मैं पहले कह चुका हूँ वो राइट था। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ तो किलोमीटर को छोड़ देता हूँ, अभी मैं वीडियो में ध्यान देता हूँ। तो अब वैसे भी वीडियो पहले से बड़ा हो चुका है, लेकिन आप इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा।
अब वीडियो लंबा होने के चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि मैं इतनी बड़े फ्रेम की पैकिंग है तो थोड़ा सा तो टाइम लेना ही पड़ता है मुझे। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं कम टाइम में आप मैं ये वीडियो रेडी कर लूँ, लेकिन अपना टाइम वो वीडियो लेके ही रहेगा। और अब यहाँ पर इस फ्रेम, अगर इस पैकिंग को मैं नाम दूँ तो ये देसी पैकिंग मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पैकिंग में विश्वास रखता हूँ। हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हमारी चीज़ टूटनी नहीं चाहिए जो हम किसी को भेज रहे हैं। अब देखिए पार फिर से निकल गए जल्दी में। अब देखिए अभी और पैकिंग होना, इससे थोड़ा सा फिनिशिंग करना बाकी है। तो इस तरह से होगा पैकिंग। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई टूटने का डर नहीं रहेगा, इतनी मज़बूत पैकिंग हो चुकी है, अभी आधी पैकिंग हुई है। तो आखिरकार ये हमारी फ्रेम पैकिंग हो चुकी है और ये है हमारी फ्रेम। आपको मैं थोड़ा सा नज़दीक दिखा दे रहा हूँ कि अब ये गिरेगा तो भी इस पर कुछ असर नहीं होगा। आपको मैंने पूरी प्रोसेस बताई थी, पूरा पैकिंग मैंने बताया था। वैसे तो मुझे इस फ्रेम को पैकिंग करते करते 1 घंटा लगा था, लेकिन आपको दिखाने के लिए बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा सा करके एक अपने हिसाब से कोशिश की कि कम आए। अब ये 10 बाय 10 फिट तो इसका ही हो चुका है, और अभी मैं और इसको ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस पैकिंग को अगर आपको पसंद आया हो और अगर आप फ्रेम लेना चाहते हैं, तो आपको अगर दूर कहीं से आप ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर वुडन पैकिंग मिलेगी, तो आपको इससे बिना टेंशन के आपके घर तक पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी फ्रेम आप हमको ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं, उससे हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो जो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, थैंक यू सो मच। यूं ही हमारे चैनल को आप देखते रहें, हमारे चैनल की शान बढ़ाते रहें, हमारे इस ट्रेडिशनल आर्ट मुत्तवा मॉडरेट को सपोर्ट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।